अब हम लोग देखते हैं सम नंबर फाइव। सम नंबर फाइव में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एज अ डिटरमाइंड बाय द कंपनी इज 10,000। यानी कि हमें कोई रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस दिया है गाइज, यानी कि पी दिया है। कितना दिया है तो कि 10,000 दिया है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर। फिर आगे देखते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर एक्स रेफ्रिजरेटर, यानी कि सारे रेफ्रिजरेटर को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट इतना लगता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि सी इज इक्वल टू 0.1x स्क्वायर प्लस 9,000x एंड प्लस 100, क्लियर। आगे देखते हैं हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर शुड बी मैन्युफैक्चर फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें ये फाइंड करना है कि अगर हमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो कितने नंबर ऑफ का रेफ्रिजरेटर का हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला हमें जो प्रोसेस है फाइव स्टेप वाला, वो फाइंड करना पड़ेगा। बट फिफ्थ वन वाला स्टेप हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, क्लियर। तो फर्स्ट वन हम लोगों को अगर वो प्रोसेस फॉलो करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन का होना जरूरी है। तो प्रॉफिट फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्लियर। आर माइनस सी करेंगे तो हमें मिल जाएगा, बट क्या आर का वैल्यू हमारे पास है? नहीं है। तो क्या हम लोग आर ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि एक्स इंटू पी, क्लियर, जिसमें हम लोग एक्स का वैल्यू कभी नहीं रखते, किसका रखते हैं? प्राइस पी का ही रखते हैं, क्लियर। और पी का क्लियर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है कितना है, तो कि 10,000 है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10,000 एक्स, सिंपली, क्लियर। अब आर का फंक्शन हमें मिल चुका है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 10,000 एक्स माइनस कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है, जिसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.1x स्क्वायर प्लस 9,000x प्लस 100। सिंपली बिकॉज ऑफ माइनस साइन, जब भी ये ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे ये कैसे हो जाएंगे, अपोजिट साइन हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे रख देते हैं 10,000x हमारा एज इट इज जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.1x स्क्वायर माइनस 9,000x एंड माइनस 100। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये 10,000x प्लस है, 9,000x माइनस है, कितना बचेगा हमारे पास, प्लस 1,000x बचेगा, क्लियर। फिर इसके स्क्वायर के साथ कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल? नो। तो उसको एज इट इज रहने देते 0.1x स्क्वायर, और माइनस 100 को भी एज इट इज रहने देते। तो ये हो गया हमारे प्रॉफिट का फंक्शन। अब इसके रिलेटेड हमारे पास जो प्रोसेस है वो हम लोग फॉलो करते, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो कि डी पी बाय डी एक्स, क्लियर। डी बाई डी एक्स करें हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, हमारा क्वेश्चन अब ये बन जाएगा प्रॉफिट का फंक्शन कितना है, 1000x माइनस 0.1x स्क्वायर एंड माइनस 100। सिंपली इसका नॉर्मली डिफ्रेंसिएशन करो तो 1000x का कितना होता है गाइस, तो कि 1000, क्लियर। माइनस 0.1x स्क्वायर, स्क्वायर आगे आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 0.2, और x ऊपर 2 है, एक माइनस कर दोगे तो एक ही बचेगा, क्लियर। और माइनस 100 का बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ओवर हो चुका। व्हाट इज आवर सेकंड स्टेप, तो कि dp by dx इज इक्वल टू 0। इसका आंसर अब हमें पता है कितना है, तो कि 1000 माइनस 0.2x नॉर्मली इज इक्वल टू 0। ये माइनस है सामने भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस। तो ये ऐसा हो सकता है कि 1000 इज इक्वल टू 0.2x, क्लियर। हमें x का वैल्यू चाहिए तो 0.2 को यहाँ पे डिवीजन में भेजना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू हमें मिलेगा 5000। अब सेकेंड स्टेप हमारा हो चुका है, व्हाट इज अवर थर्ड स्टेप, तो कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स करके हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा गाइस, फर्स्ट ऑर्डर का आंसर। तो ये है हमारे फर्स्ट ऑर्डर का आंसर, लिख देते हैं यहाँ पे 1000 माइनस 0.2 इंटू एक्स। नॉर्मली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट, ये तो कितना हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा 0, माइनस 0.2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कि माइनस 0.2। तो नॉर्मली इसका आंसर होगा हमारा माइनस 0.2। हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका। व्हाट इज अवर फोर्थ स्टेप, तो कि हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम के लिए हमारा कंडीशन कैसा होना चाहिए, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है तो लेस देन 0 चाहिए, क्लियर। अब इसका आंसर हमें पता है कितना है, तो कि माइनस 0.2, और वो ऑटोमेटिकली 0 से मतलब लेस ही है, तो वो हमें यहाँ पे x का वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। तो हमारा फोर्थ वन कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स जब भी हम लोग x यानी कि 5000 रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन करेंगे, एट दैट टाइम हमारा प्रॉफिट कैसा होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है।